अक्सर देखा जाता है कि आपसे विवाद कई जिंदगियों को तबाह कर देता है, जिसका खामियाजा लोगों को जान की कीमत देकर चुकाना पड़ती है। कुछ यही हुआ झांसी में, जहां एक पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी को मरणासन्न कर मकान में आग लगा दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया व पत्नी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा है। बताया गया है कि झांसी के मेडिकल क्षेत्र वीरांगना नगर में मुकेश घाई नाम के युवक का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को ही मारपीट कर लहूलुहान कर मरणासन्न कर दिया तथा अपने मकान में आग लगा दी एवं खुद को कमरे में बंद कर लिया। घटना की सूचना जैसे ही विश्वविद्यालय पुलिस चौकी को हुई, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तत्काल आग पर काबू पाया और पति को हिरासत में लेकर लहूलुहान अवस्था में घायल पत्नी को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने बहादुरी का परिचय देते हुए इस बार समय पर पहुंचकर दो लोगों की जान बचा ली है। आज 15 दिसंबर को शाम को 7 बजे थाना नगर के मरवटिया से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक लड़का लड़की को लड़की के परिवार वालों ने काफ़ी मार दिया है। इस सूचना पर थाना नगर की फोर्स फौरन मौके पर पहुंची और लड़का लड़की को जिला अस्पताल लाकर उनका इलाज कराया जा रहा है, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनका प्राथमिक उपचार चल रहा है, इनको हायर सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि लड़का लड़की से मिलने आया था, इनके बीच में पूर्व से संपर्क था। जब लड़का लड़की से मिलने आया तो चूंकि इनका संबंध लड़की के परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने इन दोनों को मारा है। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि ये चोट लाठी डंडे से आई है। इस संबंध में लड़के के परिवार से तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और जो अपराधी हैं जिन्होंने घटना कारित की है उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हैं। हमारे दराज पदस्थ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मौके पर फोर्स है।